وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानशमंद लोग इसकी आयतों में गौर फिक्र करें और नसीहत हासिल करेंदिनदरत मर्रत सामिन करामक वरह वक्त क़राम, सूर नहल आयत नंबर ५००, दर्श नंबर ११११. आज का मौजूद क्या हम अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं? इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं. सबसे पहले उज्ज्वलता सबक का एआधा होगा. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تناه مانع تاهم الله كي شيطان مردود سى بسم الله الرحمن الرحيم شرو الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ यानी पैगंबर खड़ा करेंगे तो ना तो कुफार को बोलने की इजाज़त मिलेगी और ना उनके उज़्र कबूल किए जाएंगे करम सूर नहल आयत नंबर पिचासी वजारज़ीना ओजाबा और जब ज़ालिम आज़ाब देखेंगे लाख खफफ वन तो फिर ना उनसे अजाब हल्का किया जाएगा वला जरून और ना इन्हें मोहलत दी जाएगी सवन करम क़्यामत का हाल अल्लाह ताला बैन फरमा रहे हैं और ये अल्लाह ताला की रहमत है कि रोज़े क़यामत से पहले उस दिन का एक नक्शा हमें अल्लाह ताला एडवांस बता रहा है कि देखो ए हक़ से इनकार करने वालों तुम्हारा हाल ये होगा रोज़े क़यामत जाहिर है कि अल्लाह ताला आलिम है हर चीज़ को जानता है जो हो चुका है जो होने वाला है सब कुछ अल्लाह ताला माँ का मा यकून अल्लाह ताला सब कुछ जानता है तो ये तो उसका इल्म है अब ये उसकी रहमत है जो हमें एडवांस वो बता रहा है कि भाई तुम्हारा ये अंजाम होगा तो इसका मतलब ये है ये देखें इस मजमून से हमने नसीहत लेनी है लेकिन हम नसीहत लेने के लिए तो तैयार नहीं है ये हमारा एक रवैया है और बहरल भुगतना तो हमें पड़ेगा देखें वल वजन यो मज़न हक़ आमाल का दुलना उस दिन हक़ है अल्लाह ताला ने देखें हमें पैदा फरमाया है और हमारी यानी वो दिन ज़रूर होगा जिस दिन हमने हमसे पूछा जाएगा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है फ़लनसम वलनुरसली हम ज़रूर पूछेंगे उस दिन जिनकी तरफ़ रसूल भिजवाए गए और हम रसूलों से भी पूछेंगे और अभी आएगा आने वाली है बोम नब आसमिन कुल्ल उमिन शहीद आलि अनफिम वज इना बिका शहीदन आला हाउला तो देखें ये मज़मून एक तो मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ और करता रहता हूँ आपको कि बर मेहरबानी क़ुरान हमारे लिए है या ये हमारे हक़ में गवाही देगा या हमारे खिलाफ गवाही देगा कुरान की आप जो भी आयत पढ़ें तो उसको अपने लिए उसमें सबक तलाश करें मुसलमानों का अगर तस्करा हो रहा है मोमिनों का तस्करा हो रहा है मोमिनों की सिफात अगर बयान हो रही हैं तो आप वो सिफ़ात अपने अंदर देखें नहीं है तो पैदा करने की कोशिश करें मुनाफिकों की बात हो रही है मुशरक़ों की बात हो रही है काफिरों की बात हो रही है जालिमों की बात हो रही है फासिकों की बात हो रही है आप वो सिफ़ात अपने अंदर देखें अगर आपके अंदर हैं तो उन्हें हटाने की कोशिश करें और अच्छी सिफात अपनाने की कोशिश करें और देखें यह बड़ा हमारे पास एक यानी बस एक ही मौका है असलाह का जब तक दम में दम है तो ये मौका है लेकिन जब दम उखड़ने लगेगा तो बस मौका ख़त्म हो जाएगा आपको मालूम है ना कि जब दम उखड़ने लगे तो उस वक्त तोबा कबूल नहीं होती ना आप वो मुर्दा जो है वो जो जाने वाला है वो अपने मतलब वो फ़िक्र में होता है सांसें ऊपर नीचे होती रहती हैं कभी क्या कभी क्या तो तौबा की तो मोहलत भी नहीं मिलती लेकिन यह है कि दम उखड़ने से पहले और जब आपके सांस में सांस है दम में दम है और आपको मोहलत है और अभी कोई मौत के असरात नहीं हैं जाहिर में सामने नहीं है अगरचे मौत का तो वक्त आपको पता नहीं चलता किसी वक्त भी आ सकती है तो ये वक्त बड़ा कीमती है और ये कमाई का वक्त है ये बुआई का वक्त है ये कुछ इसमें ख़रीदा जाता है और कुछ बेचा जाता है <laughs> और अफसोस से मैं ये कहता हूँ कि जो जो ख़रीदना है वो तो हम ख़रीद नहीं रहे जो ख़रीदना नहीं चाहिए उसके खरीदने के दर पे हैं हम तो दुनिया चाहते हैं लम यदिल हयात दुनिया हो हो तो यही मल दुनिया है इसके पीछे हम पड़े हुए हैं और हमारा तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है आप कोई भी गुंजाइश नहीं निकाल सकते ये जो नाम नेहाद मुसलमान है कोई गुंजाइश नहीं इनके लिए देखें हमने तो ये नहीं शुरूरी तौर पे कलमा पढ़ा भी नहीं है ये तो रिवायती तौर पे मुसलमान के घर पैदा हो गए और बचपन में हमें रटा दिया गया है कलमा शरीफ अल्लाह का नाम लेना कलमा ये वो बस आपको पता है किस तरह आप अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं फिर मस्जिद में भिजवा देते हैं या मौलवी साहब को बुला के कुरान का सिर्फ नाजरा पढ़ाना अपने बच्चों को आप ज़रूरी समझते हैं देखिए हमारे रवैये तो आज भी वाज़ हैं कि हम क़ुरान से कोई ताल्लुक़ ख़ास रखना नहीं चाहते रिवायती तौर पे एक ताल्लुक़ है कि ये बस पढ़ना आना चाहिए बेगम साहिबा जो हैं और उनका मियाँ जो है मियाँ हाफिज़ कुरान है बेगम साहिबा भी हाफ़िज़ कुरान है मैंने देखे हुए ऐसे और वो दोहराते रहते हैं दौरा करते रहते हैं बेगम साहिबा भी एक सपारा पढ़ती है रोज़ और वो भी पढ़ते हैं लेकिन दोनों में दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और दोनों का मकसूद दुनिया है दोनों को महबूब भी दुनिया है दोनों को ये हाफिज़ कुरान मैं आपको कह रहा हूँ जो एक पारा रोज़ तिलावत करते हैं लेकिन मकसूद भी दुनिया महबूब भी दुनिया और मतलूब भी दुनिया और ये मियाँ बीवी जैसे आपस में वो लड़ा के मुर्गों की तरह लड़ते रहते हैं वो आपके सामने है क्या मतलब मिजाज है हमारे थोड़ी सी तबीयत पे बुरी बात लग गई तो बेगम साहबा नाराज हो गई बस बात ख़त्म तीन दिन के लिए बाइकाट इसी तरह शोहर नहीं बोलता चुप है तो ये आप देख लें अपने रवैयों को ये सारे एक घर की कहानी नहीं है ये सारा माशरा ऐसा है कि हम दुनिया के लोग हैं दुनियादार हैं और हमारा नफ्स बिल्कुल पूरी तरह हम पर हावी है नफ्स अमारा जो है हमारा असल मबूो हमारा नफ्स है आप चाहे बुरा मना इस बात को या जो भी करें लेकिन हकीकत यह है कि हम नफ्स के पुजारी हैं हम शैतानी ख्वाहिशात के पुजारी हैं शैतान मियाँ बीवी को लड़ाना जो है इस पे शैतान बड़ा खुश होता है और अक्सर वो कामयाब होता है ये घरों में लड़ाइयाँ ये बात बात पर शोहर तलाक़ की धमकी धमकियाँ देते रहता है बाद वक्त तलाक भी हो जाती है बीवी बाद शादी के दो दिन बाद जो है तलाक़ का मतालबा करती रहती है अल्लाह ताला के रसूल ने लानत फरमाई है कि बिला वजह के जो औरत तलाक़ का मुतालबा करें उस पर लानत है तो लेकिन हमें क्या परवा चाहे रसूल लानत भिजवाएं चाहे अल्लाह ताला लानत भिजवाएं हमें इसकी पर क्या परवाह है ये बड़ी ख़तरनाक बात है कि हमें कोई परवा नहीं है कि जैसी हम जिंदगी गुजारें उसके नतज पर हमें यकीन नहीं है दुनिया हमारी मंजिल है और दुनिया ही के लिए यह आज का जो नाम नेहद मुसलमान है जिंदगी गुजारना चाहता है लम यद अल हयात दुनिया और आप देख लें क्या हालत है बहरल ये योम क्यामत का हाल है वह इज़ा राजी जुलम आजाब जब देखेंगे जालिम आजाब को देख लेंगे अब ये रोज़ क़्यामत का एडवांस में हाल अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। अब यहाँ लफ्ज़ है ज़ालिम का ज़ालिम कौन किस पर ज़ुल्म कर रहा है कौन ज़ालिम है और किस पर ज़ुल्म कर रहा है? देखें अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत कर दी है कुरान में वमन अजलमन जुक के रब आया ते रब ही फ आ इन नाम मुजरिमी नम तो देखें कुरान के मजामीन को समझने की कोशिश ही नहीं करते मसला यह है बस जालिम का लफ्ज आ गया बस आगे चलो जी जालिम, जालिम जालिम, बस बात ख़त्म होगी जालिम की तहकीक नहीं करेंगे कि जालिम है कौन मैं तो नहीं हूँ जालिम के। और आपको मैंने अर्ज किया है करता रहता हूँ करता रहूँगा भी यह मेरा काम है कि क़ुरान की हर आयत को अपने उसके तराजु में अपने आप को देखें आया आप तो जालिम नहीं है कहीं आप जालिम की तो तशरी हम जानते भी नहीं हैं कि जालिम कौन है आप मुझे बताएं आप नहीं बता सकते सीने पे हाथ रख के बताएं कि किसी ने आपको बताया कहीं आपने आ, गौर किया या किसी से पूछा या किताब पढ़ी या न, किसी से पूछा नहीं जालिम बस जालिम एक लफ्ज़ है बहरल जो भी रवैया है हमारा इंतहाई बुरा है और ये माना रवैया है अल्लाह के दीन के साथ और अपने साथ खैर मैं आपको वो तशरी कर रहा था जुल्म की जुल्म की वजाहत कुरान में क्या है कौन ाल है जुल्म क्या है तो जो आयत मैंने आपको पढ़ के सुनाई उसके मुताबिक वो मन अजलव कौन है ज्यादा ालिम उस शख्स के ममन जु किरब आया तिरबी जिसको अल्लाह की आयात का नसीहत की जाए सुम आ रदा अनहा फिर वो उससे मुंह मोड़ ले ये अल्लाह ताला तरमा रहे कि ये मुजरिम है और ये ज़ालिम है इससे मैं ज़रूर इंतकाम लूंगा इन्ना मिनल मुजरिमी न मुंतिम वमन अजलम यानी यह सबसे बड़ा ज़ालिम है जिसको कुरान की आयत की नसीहत की जाए तिलावत की जाए उसके ज़रिए नसीहत की जाए और फिर वो उससे मुँह मोड़ ले आज तो हम सब ज़ालिम हैं ये ग्रोह ज़ालिमीन है ग्रोह मुस्लिमीन नहीं है क़ुरान की आयत हम पढ़ते हैं लेकिन उससे मुँह मोड़ लेते हैं उस पर अमल नहीं करते इजतमाही तौर पर भी और इनफिरादी तौर पर भी हमारा यही मामला है ये बात नोट कर ले <laughs> मन अजलमो मिमन जुख के रब आया ते रबी सुम आ रदान इन नामिन मुजरिमी न मुन कुरान की आयत है भैयो कुरान पेश कर रहा हूं मैं कोई और रेफरेंस आपको नहीं दे रहा कुरान है खाल कुरान है अल्लाह का कलाम है और ये तर्जुमा तो बिल्कुल वाजह है इसमें किसी तफसीर की जरूरत भी नहीं है सिर्फ यह है कि आप इसके मानी को जुटला दें वो एक अलग मसला है कुरान हमारे सामने है और इसकी नसीहत भी की जाती है लेकिन उस नसीहत को कोई सुनने के लिए तैयार है मैं अक्सर वो करता रहता हूँ तकबुल करता रहता हूँ हमारा यूटूब पे हमारे दर्स हैं और हम उसको अपलोड करते रहते हैं दो साल में एक जो क़ुरान का दर्स है उसके बाद अवत मैं देखता हूँ दो साल में सिर्फ दो सुनने वाले हैं उसके बास के चार हैं बास के तीन हैं लेकिन जो इधर उधर की कोई किस्से कहानियाँ कोई आलिम जो है किस्से कहानियाँ सुना रहे हैं। बस हज़ारों की लोग तो किस्सा किस्सा खानी को पसंद करते हैं अपने किस्से गैरों के किस्से एक दफ़ा मैं वहाँ गया एक दफ़ा यहाँ गया एक दफ़ा ये हुआ फिर इधर उधर के वाकयात जो भी हैं बस वाकयात तो वो हज़ारों की तादाद में लोग देखते हैं और जो गुमराही के बाद मैं अभी नाम नहीं ले रहा गुमराही के जो दीन में गुमराही फैला रहे हैं उसको भी लोग बड़े शौक़ से देखते हैं सुनते हैं फिर कमेंट भी करते हैं हजारों कमेंट आते हैं एक गुमराह है तो जो क़ुरान भी बयान कर रहा है अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्जी से आयात की तशरी भी कर रहा है उसको आप कमेंट में देखें लोग उसको गालियाँ भी देते हैं ये नहीं नामुनासिब अल्फाज में लेकिन ज़रूर सुनते हैं उसको कि ये क्या क्या रहा है फिर उस पर अपने कमेंट किया यार ये तो गुमराह है ये तो गलत बात है ये कमेंट में नेगेटिव ज़्यादा आते हैं फिर लेकिन सुनते ज़रूर हैं कि ये क्या गुमराही है <laughs> ये मसला है ना और मेरे तो देखें क्लिप पड़े में अल्लाह ताला के फजल से तो लेकिन उस पर आप एक देखेंगे कि कमेंट नहीं है सुनने वाले भी नहीं है फिर कमेंट भी नहीं है क्योंकि मैं कोई जो भी बयान करता हूँ आपके सामने है। लेकिन ये मैं जालिम की बात कर रहा हूँ वह एजा राजी नमलाब ये सारे जो वाक़ बयान हो रहे हैं ये रोज़े क़यामत के हैं जब क़यामत क़ायम होगी और ख़ास तौर पर आज की जो आयत है जालिम जब आजाब देख लेंगे और उसको फ़ैज़ा वो सूर्य उसमें है ना मुल्क में समयउलऊ शहीकम वही तफूर तकामयिल्लम उल्के फौजम साहम हजानत हा अलम अति कुम नजीर वो चीखेगी चिंगाड़ेगी उसका चिंगाड़ना और धाड़ना ज़ाहिर है कि बो नार्लाह होगी अल्लाह की भड़काई हुई आगों की तो बड़ा शोर होगा उस दिन उस आग का शोर ज़ालिम जालिम उसको देखेंगे ज़ालिम तो खैर यहाँ जो है वह इजार ज़ालिम की मैं बात कर रहा था जालिम को पहचाने जालिम का मतलब अपने ऊपर जुल्म करने वाला देखें आप पर आप अप, देखें अपनी निजात तो हर एक चाहता है ये दुनिया में हम अपने आप को आग में नहीं डालने देते कोई अगर जानबूझ के अपने आप को आग के अलाव में डाल ले और बच्चों को रोता छोड़ दे तो हम क्या कहेंगे यार अब बड़ा जुल्म किया इसने अपने बच्चों को तो देखता आग के अलाव में इसने कूद लगा दी जरा भी सोचा नहीं इसने तो यहाँ अच्छा यानी यह आप अपने आप को यहां नुकसान नहीं पहुंचाते कोई अगर आपको ऑफ़र करे कि भाई हमें तुम्हें एक करोड़ रुपए देंगे और तुम इस आग में कूद जाओ तो आप नहीं कूदेंगे जानबूझ के अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और अपने आप को नुकसान से बचने की कोशिश कर जब जिलजिला आता है आम तौर पे तो हमें हिदायत ये मिलती है दुनियादारों की तरफ से कि तुम खुले मैदान में दौड़ जाओ तो उसमें क्या हमत होती है कि भाई जलजिला आएगा बिल्डिंग अगर गिरे तो तुम खुले मैदान में होगे तो तुम बच जाओगे यानी इंसान ख़ुद भी अपने आप को नुकसान से बचने की कोशिश करता है और बचाता है अपने आप को आप देख लें एक चेन स्मोकर है मिसाल के तौर पे। चेन स्मोकर है और पचास साल उम्र है दिल का दौरा पड़ता है और इससे पहले वो दस कोशिशें कर चुका है दिल के दौरे से पहले लेकिन वो अपने आप को मजबूर पाता है छोड़ नहीं सकता लेकिन जब दिल का दौरा और तीन दिन जो है वो अस्पताल में गुजारता है कोमा में या जो भी हो उसके बाद वो कुछ रिकवरी होती है डॉक्टर उसे कहता है कि भाई ये आदत तुमने छोड़नी पड़ेगी तो वो फौरन छोड़ देता है मैंने देखे हैं ऐसी ऐसे लोग देखे हैं कि वो अब क्यूं? कि उसे जान महबूब है अपने ऊपर वो अब ये जुल्म नहीं कर करना चाहता सिगरेट छोड़ना उसके लिए कोई मसला नहीं है छोड़ देता है जो यानी शुगर वाले हजरत हैं मैं भी माशाल्लाह उनमें से हूँ तो मीठी चाय जो है मिठास ये बंद बंद हो जाती है चीनी नहीं पीओ चाय में तो मेरी अपनी ये यानी जो बचपन की वो थी एक दिन मेरी माँ जो है चाय में चीनी डालना भूल गई मैंने बड़े चाव से माँ को कहा कि अम्मा चाय दे दें तो इत्तेफाकन उन्होंने चीनी नहीं डाली और चीनी मैं पीता था हाँ सब लोग पीते हैं जो शुगर नहीं वाले नहीं हैं तो मैंने एक थोड़ा एक से भरा फौरन मैंने वो उल्टा दिया उसको मुंह में डाला सिर्फ और फिर फीकी थी तो मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं वो कर दिया लेकिन अब शुगर है मैं इस्तेमाल नहीं करता क्यों मतलब क्यों कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मुझे अजीज़ है मिसाल के तौर तो, तो इसी तरह लोग दुनिया में अपने आप को नुकसान से बचाते हैं और जो अपने आप को नुकसान पहुँचाता है वो दरअसल अपने ऊपर जुल्म करता है यानी एक शुगर का पेशेंट है वो ना इलाज करता है न इंसूलिन लगाता है न दवाई खाता है बस वो यानी परहेज भी नहीं करता तो ये दरअसल अपने ऊपर जुल्म कर रहा है अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना तो ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा आपको लोग मतलब यह है कि दवाई भी करते हैं इलाज भी करते हैं और फिर जो नहीं करना चाहते वो भी करते हैं भागते हैं दौड़ते हैं वर्जिश करते हैं जो भी है तो दुनिया में अपने ऊपर आप अपने नुकसान अगर खुद अपने आप को नुकसान में डालेंगे तो आप जालिम हो गए अपने ऊपर आप जुल्म नहीं करते लेकिन यहाँ जो मसला है देखिये दुनिया जो है ये मकाफात अमल की जगह है जो आप करेंगे उसके असर आपकी रूह पर होंगे हम बुरा कर रहे हैं हम नाफरमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं ये आप अपने ऊपर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अल्लाह की रजाओं की आपकी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है आमतौर पर सारा माशरा ऐसा है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम जी नहीं रहे हम अपनी मर्जी जीना चाहते हैं ज़िंदगी और अपनी मर्ज़ी के लिए जी रहे हैं। तो मसला फिर यहाँ आ जाता है ख़राब हो जाता है वज़ार अलजीन ब और जब देखेंगे ालिम लोग अजाब को तो फ़ला यु खफोन हम तो ये आयत देखें ये ाल कौन है ये हम हैं मुख्तसर में खुलासा मज़मून बयान कर रहा हूँ जो भी अल्लाह की नाफ़रमानी हुई जिंदगी गुजारेगा ये ज़ालिम है जो क़ुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा ये ज़ालिम नहीं है ये बच जाएगा अजाब से बच जाएगा जो ज़ालिम है उन पर अल्लाह का अजाब लाजिम होगा ये बात नोट कर ले लेकिन हम लोग जब जाएंगे ालिम तो उस दिन हमारा क्या हाल होगा अल्लाह ताला फला युख फफो अनह हम इन नाम नेहाद मुसलमानों पे अजाब में मैं तकवीब नहीं करूँगा और ना इनको मोहलत दी जाएगी मोहलत हम मांगेंगे कुरान में है रबना फर जैना ते वापस कर दे एक मोहलत और दे दे लेकिन कोई मोहलत नहीं मिलेगी तो मैं आपको कह रहा हूँ खुलासा गलाम यही है कि जुल्म अपने आप करना छोड़ दें एक जुल्म की मैं आपको थोड़ा सा वक्त है मैं आपको एक जुल्म और भी बता दूँ मुख्तलिफ उसकी वजाहतें आई हैं कुरान में शर्क अज़ीम है इन का लज़ुल्म अज़ीम। अल्लाह तरमा रहा है शर्क बहुत बड़ा जुल्म है। अब शर्क क्या है कि आप अल्लाह की नाफरमानी पर राज़ी हो जाए ये शिरक है गुनाह की बात अलग है वो तो गुनाह मतलब आपसे हो गया वो एक ख़ता है आपसे हो गई आपने माफ़ी मांग ली दोबारा न करने का हद कर लिया इसलाह कर ली लेकिन हमारी ज़िंदगी तो नाफरमानी की बुनियाद पे शुरू होती है हमारे ज़िंदगी की बुनियाद जो है वो झूठ पे है हमारी ज़िंदगी की मंजिल जो है वो अल्लाह नहीं है हमारा मबूद ना अल्लाह है न अल्लाह को हम मबूद वाहिद बनाना चाहते हैं और आप अल्लाह की इबादत हम करना ही नहीं चाहते ख़ालस जो ये इबादत है इबादत का मतलब इतात अल्लाह के हुक्म के सामने हम झुकना नहीं चाहते अपनी मर्जी जीना चाहते हैं तो ये तो खुलम खुला शर्क है इन न शर्का लजुलमन अजीम शर्क जो है वह अजीम है देखें ये सारी बातें मैं आपको कह तो रहा हूँ, लेकिन देखें इसमें मेरा कोई ख़ास एजेंडा नहीं है ना मेरी ऐसी कोई वो है लेकिन मैं आपको सिर्फ़ ख़ास यानी साफ़ तौर पे बता रहा बता देना चाह रहा हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से उसकी फजल यानी उससे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखें अपने ऊपर करना छोड़ दें अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका दें अल्लाह की इतात बिला मशरूत इतात कबूल कर लें और कह दें कि इल्लल्लाह महमदर रसूल और अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारने का ऐद कर लें ज़िंदगी को खेल तमाशा न समझें ज़िंदगी मज़ों के लिए ना गुजारें ज़िंदगी में जद्दोजहद शुरू कर दें मेहनत करें अल्लाह को मंजिल बना लें अल्लाह के रास्ते पर चलें और उसमें मेहनत भी करें उसकी मैं आपको तफसी बताता भी रहता हूँ कि क्या करना है क्या करना है और फिर भी आ जाएगा ये मजमून लेकिन अपने ऊपर करना छोड़ दें क्योंकि अंजाम जालिम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है उसको अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जालिम को ना उसके अजाब में मैं तकफीफ़ करूँगा अब देखें यहाँ तो दुनिया का क्या जेल होगी कैदखाना दुनिया का क्या होगा कितनी सज़ा मिलेगी यहाँ जो क़ैद बा मुशक्क़त होती है वो भी क्या होती है आपको चक्की पीसने या कोई काम पे लगा जा, लगा दिया जाता है वो कैद मुशक्कत है तो वो तो आप कर सकते हैं लेकिन ये दोजख में जलना जो है तो और दोजह के जो अजाबात हैं जो ख़ुराक है जो उनका पीना है जो खाना है वो शायद बहुत ज़्यादा भारी हो और है तो ज़रा अपने ऊपर रहम करें जुल्म से बाज़ आ जाए अल्लाह की इताद के सामने सर झुका दें आ, लाल रकम तस्लिमून हम पढ़ चुके हैं ताकि तुम सर झुका दो

इजाराज़ाब और जब जबाल आजाब को देख लेंगे फलायु खफ अफान बला हम यून जरून तो फिर न उनसे वो आजाब हल्का किया जाएगा और न इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी अब इनायत की तिलावत व तो तर्जुमा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत ऐसी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है वह मुलाद और जब जालिम लोग अजाब देख लेंगे तो फिर ना तो उनके अजाब ही में तखफीफ की जाएगी और ना उनको मोहलत ही दी जाएगी इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त अख्ताम को पहुँचा अगले दर्स में इन शह मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिल रबीआल على حبيبك خير الخلق كلهم